नमस्कार, मैं प्रशांत, आप सभी देख रहे हैं मधेपुरा लाइव, खबरें आपसे आप तक। आज हमारे चैनल पे मौजूद हैं प्रदेश जदयू के सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर नीलाकांत सर। आज उनसे जानेंगे कुछ बातें। तो सर, नव वर्ष के मौके पर हमारे कोसी की जनता को और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर प्रशांत, नई सरकार के शुभकामनाओं के साथ तमाम कोसी के जनता का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुबारकबाद देते हुए कहना चाहता हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसका मुख्य मुद्दा होगा विकास। न जाति पे वोट होगा, न धर्म पे वोट होगा, और न क्या कहते हैं दूसरे चीज को। सिर्फ यहाँ की जनता इस बात को पूरी तरह समझ चुकी है, जो बिहार में आज़ादी के बाद से आज तक कितने बिहार के सूबे में जितने मुख्यमंत्री रहे सबको उन्होंने देखा है। लेकिन 2005 से जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बने हैं, तब से बिहार के विकास का जो रफ्तार बढ़ता गया, आज देश के पैमाने पर मानचित्र पर जो है उनका पहला स्थान मिल रहा है। विकास दर भी कई गुना आगे बढ़ गया, जो इनका क्या कहते अनुकरण दूसरा राज्य, और दूसरा राज्य ही नहीं देश में भी इनका अनुकरण करने के लिए जा रहा है। इसीलिए आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा वह विकास पे होगा। हमें खास करके कोसी को जनता को कहना चाहते हैं, यहाँ जो स्थिति थी बाढ़ से, जो कोसी जो है वह बहुत बिहार का सबसे जो है अति पिछड़ा इलाका कहा जाता था। यहाँ पर आने जाने की सुविधा थी, राजधानी इतनी दूर थी, जो लोग बीमार पड़ते थे उसको क्या कहते हैं राजधानी जाने में दिक्कत होती थी। लेकिन मैं यहाँ के माननीय मंत्री बिजन प्रसाद यादव का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जिस तरह कोसी को सजाने का काम किया है, आज तक इतिहास में यह पहला माननीय मंत्री है जिन्होंने कोसी को सजाने का काम किया। इतना ही नहीं, आप जितना भी देख रहे हैं, इन्होंने हाल फिलहाल 10,000 करोड़ का योजना सिर्फ कोसी को देने का काम किया। आप जो भी देख रहे विकास का रास्ता, विजय पुल कहा जाए उसके पैरेलल फिर एक नया पुल उन्होंने करवाने का काम किया, वह भी काम शुरू होने वाला है। उसके बाद आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में जमीन की समस्या हो रही थी तो माननीय विजेंद्र बाबू ने जमीन अधिग्रहण करवाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज, जब वह वित्त मंत्री थे उससे पहले मेडिकल कॉलेज अटका हुआ था, जब वित्त मंत्री उन्होंने बना तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज को फाइनेंशियल रूप से पैसा दिला करके आज मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष से चालू होने वाला है। दूसरी बात है, आपको क्या कहते रेल इंजन की बात है, वहाँ भी भूमि अधिग्रहण में प्रॉब्लम हो रहा था तो माननीय विजेंद्र बाबू ने भूमि अधिग्रहण करवा करके, यह इंजन जो था यह डीजल पे था लेकिन इन्होंने विद्युत पे यह यहाँ पर जो है इंजन बनाने का जो है इन्होंने टावर उपलब्ध कराया, मतलब सब स्टेशन बना करके। विश्वविद्यालय में भी उन्होंने कहा जो छात्र को प्रॉब्लम होता है पढ़ने के लिए उन्होंने सब स्टेशन बना दिया, सिंहेश्वर में बना दिया, जो बिजली की समस्या तो खत्म हो गई। आज नया सिरा से उन्होंने कुछ ऐसा मतलब योजना देने का काम कर रहे हैं, जैसे खरबिट्टा होकर के एक लिपियाई होकर के एक बहुत बड़ी सड़क बनने जा रही है, उस होकर के क्या कहते हैं हरदी चौघरा होकर के, वह क्या कहते हैं सलखुआ से जुड़ते हुए सहरसा से होते हुए मधेपुरा होते हुए वह हल्दी चौघरा होकर के उधर बिहपुर तरह की बहुत बड़ी सड़क है, जो उस पुल को जोड़ने का काम किया। बलुहा पुल है, उन्हीं के व्यवस्था से होता है। माननीय मंत्री महोदय की जितनी भी कहा जाए आज जो विकास, इतना ही नहीं, ये तो बिहार की बात है, केंद्र सरकार के द्वारा जो रेल की व्यवस्था हो गई है गलगलिया तक, उन्हीं का सोच है। मंत्री महोदय सिर्फ काम के प्रति चिंतित रहते हैं, अपनी प्रशंसा के प्रति उन्होंने चिंतित नहीं रहते, जो हमारी प्रशंसा क्यों नहीं हो रहा है। तो माननीय मंत्री का जो इस विकास में सहयोग है वह अद्वितीय है,
इतिहास में कहा गया है कि परिस्थिति जब आती है तो कुछ ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो कि वहाँ की सारी व्यवस्था को बदलने में उनकी भूमिका होती है। माननीय आपके सांसद महोदय पप्पू यादव जी हैं, काम करते हैं कोई, अब बड़ा बड़ा बैनर लगा करके कहते हैं यह काम हमारे सहयोग से हुआ। झूठ बोलने की एक सीमा होती है, जनता इस बात को समझती है कि कौन काम करते हैं और कौन झूठ बोलते हैं, इस बात को समझती है जनता। मैं कहना चाहता हूं, एक हम शायद एक बड़ा बोर्डिंग देखे थे उस समय जिसमें पाकिस्तान से गीता की वापसी की बात हो रही थी, उस समय भी हम देखे थे उस बोर्ड को, बहुत बड़ा था, लिखा हुआ था कि गीता की वापसी पप्पू यादव का प्रयास। मैं कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव ना तो विदेश मंत्री थे और न पप्पू यादव विदेश सचिव थे, उनका प्रयास से गीता वापस हुई है। वो तो विदेश मंत्रालय और जो विदेश सचिव होते हैं उनके प्रयास से गीता भारत आई थी। ये कितनी बड़ी झूठ है। गलगलिया साइन बोर्ड लगा देते हैं, एक भी पत्र दिखा दे मैं उससे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, एक भी पत्र दिखा दे उनका मतलब सहयोग का विकास में, तो मैं राजनीति भी छोड़ सकता हूँ। आज जो भी गलगलिया हो, जो भी सुभिजेंद्र बाबू को सब है, उन्होंने बराबर केंद्रीय मंत्री से हमारे बात करते रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जनता इस बात को जानती है कि बोलने से काम नहीं होता है, जो व्यक्ति बोलता है वह काम नहीं करता है। बोलने से समाज का कल्याण नहीं होता, काम करने से समाज का कल्याण होता है। हमारे माननीय सांसद महोदय ने सिर्फ आलोचना और गाली देने का इन्होंने ठीका कर लिया है। काम करने वाला व्यक्ति आलोचना नहीं करते हैं और न गाली देने का काम करते हैं, चाहे तो सबको गाली देने का काम करते हैं, लालू यादव को देते हैं, तेजस्वी को देते हैं, नीतीश कुमार को देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, सबको। जब उनके स्वार्थ की पूर्ति जब नहीं होती है, जब घबराने लगते हैं तो गाली देना शुरू हो जाते हैं। यह किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं है, इतिहास उसी को याद रखता है जो काम करता है, बोलता कम है, क्योंकि काम बोलता है। जब काम बोलता है तो जनता भी समझ जाती है यह काम किसने किया। और आज पप्पू यादव के बारे में सारी जनता जानती है कि पप्पू यादव सिर्फ दूसरे को गाली और झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं दो तो क्या कहते, गीता रामायण की बात करते हैं, क्या कहते हुए सिद्धांत की बात करते हैं, नीति और नियम की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ना तो सिद्धांत को पालन करते हैं, ना नियम और कायदा को समझने का प्रयास करते हैं, और सिर्फ भाषण देने का और मजमा लगाने का काम करते हैं। मजमा लगाने से समाज का कल्याण नहीं होता है, इतिहास उसी को याद रखता है जो समाज के लिए काम करता है। आज भूपेंद्र बाबू के इतिहास आज करते हैं, आज भी अमर है, डीपी मंडल आज भी अमर है, जो कुछ के अच्छे नज़र से देखते हैं जो, और इतिहास दोनों को याद रखता है। अगर औरंगजेब को याद रखता है इतिहास, अकबर को भी याद रखता है इतिहास। इसीलिए पप्पू यादव को दूसरे नज़र से इतिहास याद रखेगा, लेकिन भूपेंद्र बाबू, बीपी मंडल, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर को दूसरी नज़र से इतिहास याद रखेगा और उसकी नज़रिया कुछ अलग होगी। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। वह सिद्धांत की बात करते, नियम कायदे की, फिलहाल एक दो घटना है। आरपीएम कॉलेज के वो क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि हैं, आरपीएम कॉलेज में शासी निकाय की बैठक हो रही थी, उस कार्यवाही में इन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन जब वहाँ कार्रवाई हो गई, मीटिंग हो गई, उन्होंने उनके पास दस्तावेज लेकर के आया, बिना कुछ जाने समझे उस पर दस्तखत कर दिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। कहाँ नीति और सिद्धांत। इसीलिए मैं सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ, सांसद महोदय आप जनता की जनप्रतिनिधि करते हैं, आपको ध्यान रखने चाहिए कि जनता की सेवा किस चीज से हो सकती है। झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, सच बोलने के साथ जितना भी काम होता है वह काम निश्चित रूप से बहुत मजबूत और ठोस हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं सांसद महोदय की एक कारनामा चलते रहते हैं,
इससे समाज का क्या होगा, समाज में क्या संदेश जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ अगर सिद्धांत की बात करते हैं माननीय सांसद महोदय, तो ख्याल रखना चाहिए नीति से। कई बार कहते हैं यहाँ से चुनाव हम नहीं लड़ेंगे तो हम राजनीति से छोड़ दे इस्तीफा दे देंगे। कहते हैं सहरसा में ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तो हम राजनीति करना, हम चुनाव लड़ना छोड़ सकते हैं। सारी बात तो बोल चुके हैं, लेकिन दर्शन के रूप में बोलते हैं, हकीकत में कुछ नहीं बोलते हैं। अगर कोई कहता है परिवारवाद का पोषक, तो वो भी परिवारवाद का पोषक है। पत्नी और पत्नी सांसद, यह कैसा नीति है? और कोई सिद्धांतवादी नीतीश कुमार का कोई परिवार नहीं है, माननीय विजेंद्र बाबू का कोई परिवार नहीं राजनीति में। उन्होंने समाज के लिए जीता है और समाज के विकास में लगा हुआ रहता है। इसीलिए आज की तारीख में, और दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव आगे अब होने वाला है, उसमें कई पार्टी कई अपना अपना उम्मीदवार देंगे। हमारी पार्टी भी सोच रही है, और पार्टी का जो कुछ आबो हवा मिल रही है, जो नौजवान को लड़ाया जाना चाहिए, सब दिन एक समान नहीं होता है। नौजवान का खोज हो रहा है, ऐसे नौजवान का खोज हो रहा है जिनकी जनता के बीच जिनका छवि अच्छा हो। आज हमारी पार्टी की भी चर्चा चल रही है, हमारे कई उम्मीदवार हैं, मुख्य रूप से तीन उम्मीदवारों की बात चलती है, जैसे दिनेश चंद यादव की बात चल, नरेंद्र बाबू की बात कर चलते हैं। हमारे नौजवान साथी सत्यजीत यादव का भी बात चल रही है लोकसभा चुनाव के लिए प्रति, ये चर्चाएं हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चर्चाएं आ रही है, हमारे गठबंधन के कुछ साथी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा किसी भी MLA को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, नए को लड़ाया जाएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि है ही, क्योंकि फिर चुनाव होने का और फिर विधानसभा चुनाव, ये बड़ा मतलब गड़बड़ स्थिति लगता है। इस परिस्थिति में हमारे नौजवान साथी के जो तीन नाम चलते हैं, उसमें सत्यजीत यादव जो हैं, उनके प्रति कार्यकर्ताओं के बीच जनता के बीच में भी चर्चाएं चलती रही है, अगर उनको लड़ाया जाता है NDA से जदयू का सीट होगा, BJP का होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जदयू का सीट होगा, उसमें एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उनकी चर्चाएँ होती रहती है। गाहे बगाहे रोड चौराहा पर आप कहीं मधेपुरा अगर चले जाए बाजार में, कहीं पान की दुकान पर खड़े हो जाए, तो वहाँ पर इनकी चर्चाएं चलती रहती हैं। ये बात हुई तो हमारा जो आगामी लोकसभा का जो चुनाव होगा, मुख्य रूप से विकास पे होगा। न हम जातिवाद की बात करते हैं, न धर्मवाद की बात, किसी बात की नहीं करते, सिर्फ विकास। आपको याद होगा आज की जनता 2005 से जनता की मानसिकता ये बन चुकी थी, ना तो बिजली होगी ना तो रोड होगी, उसकी नियति फिक्स हो गई थी, उसमें कोई सेंसेशन नहीं था, जो विकास भी कोई चीज़ है। लेकिन आज की तारीख में जब विकास की माननीय मुख्यमंत्री ने झड़ियाँ लगा दी, तो उनकी इच्छाएँ महत्वाकांक्षाएँ जनता की बहुत बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि जनता चर्चा करने लगती है, जो वह काम छूट गया है, वह काम नहीं हुआ है, वह काम नहीं हुआ है। काम अब जनता के सामने भी जनता इतनी जागृत हो गई है, उनको काम चाहिए, और काम की माननीय मुख्यमंत्री और विजेंद्र बाबू ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है। मैं वोट की बात नहीं करना चाहता, जो भी आए इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, तो उनको भी उस लकीर को पार करना होगा, अन्यथा जनता उसे माफ नहीं करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम खुशी के जनता को नए साल में शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देना चाहते हैं, और मकर आने वाले मकर संक्रांति की भी उनकी हम शुभकामना करते हैं, जिनका वह पर बड़े उल्लास और उत्साह से मने। इन्हीं शब्दों के साथ सभी मुस्लिम जनताओं को पुनः
आपका मुबारकबाद करता हूँ।